बस कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो फोकस हियर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के ग्रुप और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं सारे, वो कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं। ठीक है, मतलब जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब इनका शेल बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर जो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं किसमें आते हैं? एस ऑर्बिटल्स में आते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके जनरली दो ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है ग्रुप वन, जिसके अंदर कौन कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ओके, सो और जो ग्रुप सेकंड होता है हमारा, उसमें होता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम। ठीक है, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके लास्ट जो शेल्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल पे लाई करते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल को फिल किया जाते हैं, इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल इसलिए बोलते हैं कि अल्कलाइन नेचर होते हैं। अल्कलाइन नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। देखना यहाँ पे, When they react with water, okay? When they react with water, they form metal hydroxide, ठीक है? ये देखो, लिथियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इसने क्या फॉर्म किया यहाँ पे? लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये अल्कलाइन नेचर होता है, मतलब कि बेसिक नेचर होता है। देखो ना, बेसिक नेचर का होता है क्योंकि जब किसी एलिमेंट के साथ में कंपाउंड में OH बन जाता है पीछे, तो उसका जगह जो होता है बेसिक जाता है और स्टार्टिंग में अगर एच बन जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। ये पढ़ा होगा आप सबने। तो यहाँ पे क्या है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है वाटर के साथ, जो बेसिक होता है नेचर में, इसलिए इसको हम एल्केली मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो पहले ग्रुप में कितने आते हैं आपके? पहले ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, फ्रेंशियम को हम जनरली ज्यादा काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है ना, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके बाद जब इसकी एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, इसका हम इसको तो ज्यादा वो नहीं करते, ज्यादा वैल्यू नहीं देते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, पॉजिटिव रेडियो एक्टिव होता है, हाई रेडियो एक्टिव, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते सर। ठीक है, तो लिथियम आ गया हमारा, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया और सीजियम आ गया। उसके बाद ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको एल्काइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? इनको एल्काइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये जितने भी मेटल्स हैं हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्काइन अर्थ मेटल। इनका नेचर क्या हो गया? एल्काइन, और कहाँ पे की फॉर्मेशन होती है? अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप टू में कौन कौन से हमारे आते हैं? बेरियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, बेरियम आता है, स्ट्रॉन्शियम आता है और आपका रेडियम आता है। ओके, समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको पढ़ने जा रहे हैं कैसे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो पहली भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी इसके बारे में आती है, एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसको पता होगा? एटॉमिक रेडियस और रेडियाई। ये इसकी आज फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। एटॉमिक रेडियस आपको पता ही होगा क्या होता है कि मान लो आपको ये एलआई का स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पीरियोडिक कंफ्यूजन करना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेप में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेप में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीकेशन है। और जो यहां से जो ये न्यूट्रॉन से लेके बीच में न्यूक्लियस होता है, यहां से लेके जो आउटर शेल का जो रेडियस होता है, जो डिस्टेंस होती है बीच की, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। हां, तो जो एटॉमिक रेडियस, व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू द डाउन ऑफ द ग्रुप, हां फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप, या फिर मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होती है हमारी ऑर्बिटल्स, मतलब शेल बढ़ती है हमारी। ठीक है, अब एलआई ये हो गया, आप अगर एनए का देखोगे, एलआई में एक और दो शेल है खाली, एनए में आपकी एक, दो,
तीन छेद हो जाती है, ठीक है। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8 1, 2 8 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 और इसमें लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए ना, सबको क्लियर आ रहा है कि मूविंग डाउन द ग्रुप दो जो शेल होती है हमारी बीच वर्ती स्क्रीन का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहता है, और एक वेरिएशन आपको क्या आता है, मूविंग अक्रॉस द पीरियड, मूविंग अक्रॉस द पीरियड, मूविंग अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, ठीक है। और मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, ओके। ये आपके दो वेरिएशंस हैं जिसके एटॉमिक रेडियस को लेके क्या क्या आया इसके अंदर, मूविंग डाउन द ग्रुप अपनी साइज क्या होती है, बढ़ती है क्योंकि शेल बढ़ते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से पता है क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां जो न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस होता है इनको बाइंड करने के लिए, इनको जो इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है इसमें बाइंड करने के लिए, इनको बांध के रखने के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है जिससे ये बाइंडर बनते हैं न्यूट्रॉन्स के। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे बाइंडर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से एक पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, मान लो अगर एग्जांपल ले लो सोलर सिस्टम की, नाम ले लो, ठीक है। सोलर सिस्टम में जानते हो सन होता है, सारे प्लैनेट होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं, ठीक है। तो वो सभी सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, किसकी वजह से, ये कोई फोर्स होता है जो उनको उनकी ऑर्बिटल से बांध के रखता है, ठीक है। मतलब वो सब अपनी ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रॉन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं जिसको एक फोर्स बाइंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ओके। तो मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, कौन सा, रिपल्सिव थ्योरी का, मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे शेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे और शेल आ गई इसकी, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, आपस में रिपल्सन करेंगे और ये रिपल्स करते हैं, इसकी सारी बढ़ती है आपकी और यहाँ से अट्रैक्शन कम होता जाता है, ठीक है। सो आपका एटॉमिक रेडियस मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, और मूविंग अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब मूविंग लेफ्ट टू राइट। एक और ये पीरियड समझ लो ना, कैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, मतलब ऐसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो मूविंग अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करती है, और मूविंग डाउन द ग्रुप मतलब NaN में लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ, मूविंग डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज करती है, ओके, समझ आ गया सबको, हाँ। तो आप ऐसे सकते हो, ऐसे मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या क्या आ गया आपका, मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, और मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, ओके। आपको समझ आ गया यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, ओके, मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और मूविंग लेफ्ट टू राइट मतलब अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। नाउ अवर सेकंड पॉइंट क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कौन सी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमने पढ़ रखा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी ग्रुप वन और ग्रुप सेकंड एलिमेंट से, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आई से भी, ठीक है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आयनिक रेडियस के, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ओके, एटॉमिक रेडियस, ठीक, समझ में आ रहा है, मतलब जैसे साइज बढ़ती जाएगी हमेशा एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो रही जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या था, मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रही थी, ठीक है, मतलब मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप
एटॉमिक डिके क्या होती है, बढ़ती है, इसी वजह से आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ती है। ठीक है, समझ लो ना। और मूविंग क्रॉस द पीरियड क्या था, मूविंग क्रॉस द पीरियड क्या था, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ओके, मूविंग क्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, हेंस आयनाइजेशन थेरेपी इंक्रीजेस। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट। मतलब कि जो आयोनिक एनर्जी आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये याद कर लेना इसको, क्योंकि एटॉमिक रेडियस मूविंग क्रॉस द ग्रुप बढ़ती है तो उसका आयनाइजेशन थेरेपी और डिक्रीज होगा, तो यहां सीधा सीधा क्या है, आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीजेस व्हाइल वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप, मतलब मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन थेरेपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और मूविंग अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन थेरेपी इंक्रीज हो रही होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यह तो क्लियर हो गया। हमारा जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है वो कौन सा होता है, हाइड्रेशन थेरेपी का। ठीक है, हाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है, मतलब सब बहुत हद तक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपकी आती है हाइड्रेशन थेरेपी। ओके, इसको हम लोग एचई भी डाल सकते हैं, नोट करना चाहो तो, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो हाइड्रेशन थेरेपी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड एंड आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई मेटल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन में ब्रेक होता है, जब वो आयन में ब्रेक होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको घेरना स्टार्ट करते हैं, उसको बाइंड करना स्टार्ट करते हैं, और उसको बाइंड करने जो एनर्जी लगती है वो सी होती है, हाइड्रेशन थेरेपी होती है। ठीक है, सो हाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है कि जब वाटर में कोई भी मेटल को डिसॉल्व करते हैं, वेल जब मेटल को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, उसको पार्टिकल्स ऑफ वाटर उसको बाइंड करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स बाइंडिंग द आयंस। जब हम किसी भी मेटल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो टूट के आयंस में बिखरता है, और जो उसके आयंस बनते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको बाइंड करना स्टार्ट, चारों तरफ से चारों साइड से घेरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाइड्रेशन हमारी थेरेपी होती है ना, वो क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज, आयनिक साइज। ओके, जो हमारे आयन बनते हैं उसके उससे साइज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइज जितनी छोटी हाइड्रेशन थेरेपी उतनी ज्यादा, साइज जितनी बड़ी हाइड्रेशन थेरेपी उतनी कम। ओके, यू ऑल गॉट माय पॉइंट। यहां पे क्या था, मान लो यार वाटर एंटिंग हमने किसी मेटल को डिसॉल्व किया, एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो तुम्हारा कोई इलाका है, तुम गली मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है, वहां पे दो लोग आ रहे हैं तुमको धमकी देने के, एक किसी को मान लो, मतलब एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम कोई दुबला पतला सा सुखड़ा सा आदमी आ गए तुमसे भिड़ने के लिए, ठीक है, एक बंदा आ रहा है तुमसे यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़ाई करने आ रहा है, ठीक है, और दूसरा बंदा थोड़ा हड्डा रखता है, चौड़ा है, मोटा है ना, वो तुमसे भिड़ने आ रहा है, तो पहले तुम क्या करोगे, अगर तुमसे भिड़ने आ गया मान लो, तुम क्या कर रहे हो, पहले इस वाले को गिरोगे, क्योंकि ये पतला दुबला है, ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाएगा, इसको पहले गिरोगे बाद में इसे गिरोगे। ठीक है, इसको गिर भी होगा तुमसे बच के निकल जाएगा। हाँ, तो मतलब उसी तरह वाटर है। ठीक है, जब बेटर से उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वाटर बोलता है मेरे इलाके में आ गया। ठीक है, अब तो वाटर के अंदर वाटर का दबाव होगा ना यार, तो वाटर के मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो H2O को ब्रेक करते हैं ना, तो ये H+ और O2 नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, O2 नेगेटिव में टूटता है, जो ये O2 नेगेटिव वाले पार्टिकल्स होते हैं, जब एल्केली मेटल्स का ब्रेकडाउन कर Li+ या Na+, हां इस सब मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस में से टूटते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं इनके चारों साइड में बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, देख रहे हो, और इसको बाइंड होने में जो यहाँ पे एनर्जी लगती है उसे हम लोग हाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट। जैसे जैसे हम
as you move from top to bottom of the group, मतलब जैसे जैसे moving down the group, down the group जाएंगे, size क्या होगा, बड़ा होगा, size बड़ा होगा तो उसका ion size बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, hydration enthalpy हमारी decrease हो जाएगी, ठीक है? Hydration enthalpy decreases while we move down the group and while we move from left to right with the moving across the period, ion size जो होती है घटती है, इसकी वजह से क्या होती है, hydration enthalpy increase करती है. जैसा आइंस्टीन पोटेंशियल में पढ़ा था ना, आइंस्टीन पोटेंशियल पढ़ा था कि मूविंग डाउन द ग्लोब वो इंक्रीज होती है, नहीं मूविंग डाउन द ग्लोब वो डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है. उसी तरह हाइड्रेशन एंथैल्पी भी मूविंग डाउन द ग्लोब डिक्रीज होती है और मूविंग अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है. ओके, सो यहां पर हम इसको ऐसे मूविंग डाउन द ग्लोब, डाउन द ग्लोब hydration enthalpy decreases, okay, and moving across the period आपकी क्या होगी, hydration enthalpy increases, okay, moving down the group hydration enthalpy decreases and moving across the period hydration enthalpy increases. मतलब कि अगर आप एल्केली मेटल्स में देखना चाहो तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जिस एलिमेंट की होती है वो कौन सा होता है आपका, Li+, क्योंकि इसका सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है, इसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा छोटा होता है, एंड सेंटर छोटा होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, Na+ होगा, उसके बाद K+ होगा, उसके बाद CS+ होगा, उसके बाद Fr आएगा. Fr तो लेते ही नहीं क्योंकि ये हाईली रेडियोएक्टिव होता है फ्रेंशियम, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है. तो मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होती है आपकी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. ओके, सो यू ऑल गॉट द पॉइंट. ओके, सो आवर फोर्थ वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन से हमारी है, फ्लेम कलरेशन. ओके, फ्लेम कलरेशन क्या होता है, मतलब फ्लेम का कलर कैसा होता है. ओके, तो जब हम मेटल्स को एल्केली मेटल्स को जलाते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम उससे निकलते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर के फ्लेम निकलते हैं जब हम एल्केली मेटल्स को जलाते हैं. ओके, तो आप यहां देख सकते हैं कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केली मेटल्स को जला रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, इसी को फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लेम कलरेशन. ओके, तो जब हम Li को बर्न करते हैं, जब लिथियम को बर्न करते हैं ना, क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम निकलता है उसका, ठीक है. उसके बाद जब सोडियम को बंद करते हैं तो गोल्डन है, वो Li समझ लो ना, क्रिम्सन रेड मतलब गाढ़ा लाल, क्रिम्सन रेड मतलब गाढ़ा लाल, ठीक है. तो Li से मतलब समझ लो लिथियम L से लाल, तो उसको याद कर सकते हो ऐसे, लिथियम में कैसा होगा, लाल हो जाएगा, ठीक, मतलब क्रिम्सन रेड कलर का हो जाएगा. उसके बाद आपका पास सोडियम कैसा होता है, गोल्डन येलो. पोटेशियम आपका कैसा होता है, पेन वायलेट होता है. रुबिडियम कैसा होता है, पर्पल. और CS कैसा होता है, सीजियम कैसा होता है, स्काई ब्लू कलर का. आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मतलब कि जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, पहले लाल हुआ, फिर उसके बाद येलो हुआ, फिर बैंगनी हुआ, ठीक है. तो जो इसके कलर्स होते हैं इसको आपको याद रखने पड़ेंगे, इसको जुगाड़ तो नहीं याद करने का यार. सोडियम का मतलब गोल्डन येलो होता है, उसको कोरिलेट नहीं कर सकते. पोटेशियम का पेन वायलेट होता है, उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, ठीक है. आप लिथियम को कोरिलेट कर सकते हो, एल से लिथियम होता है, एल से लाल होता है, तो इसका क्रिम्सन रेड हो गया आपका. हाँ, तो इसको आप समझ सकते हैं ना, मतलब कि जो इसका कलर है कैसे हो रहा है, टमाटर से बैंगन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है. बैंगन मतलब टमाटर कलर कैसे होता है, रेड होता है, और यहां पे लास्ट में कैसा हो रहा है, स्काई ब्लू या हल्का सा वायलेट ब्लू होता है, ठीक है. ये कैसा कलर होता है इसका, स्काई ब्लू का फ्लेम कलर होता है, हल्का वायलेट, ठीक है. तो आप देख रहे हो ना, मतलब टमाटर से बैंगनी कलर में बदलता जा रहा है, ठीक है, मतलब लाल से बैंगनी हो रहा है. तो आप इसको रख सकते हो कैसे, Li का क्रिम्सन रेड, लाल कलर है इसका, गाढ़ा लाल, उसके बाद गोल्डन येलो, सोडियम का, पोटेशियम का आपका पेल वायलेट, उसके बाद रुबिडियम का आपका होता है पर्पल, फिर उसके बाद सीजियम कैसा होता है आपका, स्काई ब्लू. ओके, सो यू ऑल गॉट माय पॉइंट, दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सॉर्ब एलिमेंट्स. ये चार फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हम मेनली पढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन भाई यहां से भी आते हैं, ठीक है. फ्लेम कलरेशन से हर साल क्वेश्चन तो आते ही हैं, कि मतलब उसमें पूछता है कि जब एल्केली मेटल्स हम लोग जलाते हैं तो लिथियम या सोडियम या पोटेशियम किस कलर में फ्लेम निकालता है, एक या दो नंबर में कोर्स में हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है, या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, सो
ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ये हमारे यहाँ खत्म हो गई केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, थैंक यू।